धर्म से बड़ा ना हम है न कुलदीप है, धर्म हमसे भी बड़ा है और कुलदीप जी से भी बड़ा है। निमन प्रणाम। जब से भव्य विष्णु की सगाई का मामला सामने आया है, यह तोल पकड़ता ही जा रहा है। अब तक बिश्नोई समाज के सभी वर्गों के लोग कहीं दबी जबान में तो कहीं मुखर आवाज में इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे थे, परंतु इस मुद्दे पर अब तक बिश्नोई समाज के संत समुदाय ने चुप्पी शादी हुई थी। आज प्रथम बार समाज के संत स्वामी राधेशानंद जी इस मुद्दे पर बोले। स्वामी राधेशानंद जी ने श्री गुरुजंबेश्वर मंदिर केतु में चल रही जामहणी कथा के चौथे दिन आज कथा को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर कहा। एक घटना समाज में घटित हुई है और मुझे कई लोगों ने उस विषय में लिख करके भेजा और पूछा भी। शुरू में जब पोस्टर आया था फेसबुक पर, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी बिश्नोई के सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई के लड़के की शादी का, कि वो अंतरजातीय विवाह करने जा रहा है, ये जब पोस्टर आया तो एक बार तो हमको विश्वास नहीं हुआ। हमने देखा, जांच परख की, कई लोगों का फोन आया कि महाराज आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहा पहले पूरा पता करेंगे सत्य है अथवा अफवाह है, और फिर जब पता लग गया कि सत्य है तब हमें बड़ा खराब लगा, बड़ा दुख हुआ। और कई लोगों ने यह कहा कि महाराज आप बोलते क्यों नहीं उस विषय में। मैंने कहा हमको सुनता कौन है, आपने जिन लोगों को सिर पर बिठा रखा है, आगे कर रखा है, वो तो बोल नहीं पाते, और जो बोलते हैं उनको कोई सुनता नहीं है, इसलिए हमारा बोलना कहां सार्थक है। जिन लोगों को आपने बड़ा समझकर आगे बिठाया है वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको उनसे कोई ना कोई स्वार्थ है, हमको किसी से कुछ लेना नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं। और मुझे लगा जिस व्यक्ति को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का संरक्षक पद प्रदान किया है, और संरक्षक अगर ऐसा करें तो ये ठीक नहीं है, ये बहुत निंदनीय है। और तब मुझे लगा कि भले कम सुनने वाले हो, जितने सुनने वाले हो, हमें सुनाना चाहिए, बोलना चाहिए। हम नहीं बोलेंगे आज तो आने वाले समय में हम समाज के कोई मंच पर जाकर के बोलेंगे तो लोग हमारा गला पकड़ेंगे, कहेंगे महाराज कुलदीप के लड़के ने शादी की थी तब आप क्यों नहीं बोले, वो बड़ा था इसलिए नहीं बोले, फिर हमको कौन सुनेगा, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। एक लड़के ने कल मुझे लिखा कि महाराज आप में कुलदीप के खिलाफ बोलने की हिम्मत है क्या। मैंने कहा मैं कुलदीप को कोई बहुत बड़ी चीज समझता ही नहीं हूं, तो हिम्मत और नहीं हिम्मत की बात ही नहीं है, सामान्य व्यक्ति ही तो है और वो क्या है, और बड़ा है तो अपने घर पे है। धर्म से बड़ा ना हम है ना कुलदीप है, धर्म हमसे भी बड़ा है और कुलदीप जी से भी बड़ा है। आदरणीय है, उनका आदर करते हैं, लेकिन ये घटना अच्छी नहीं है। और उसके बाद में उनके लड़के ने जो प्रतिक्रिया दी, पहला तो उस पोस्टर में उसके बिल्कुल नीले वस्त्र की टी शर्ट पहनी हुई है, पहली गलती तो वही, भगवान ने जिस वस्त्र का मना किया वो वस्त्र पहना, दूसरी गलती अंतरजातीय विवाह करने जा रहा है, और तीसरी सबसे बड़ी गलती उसने अपने फेसबुक पेज पर लिखा और वो वायरल हुआ। उसने लिखा कि दो कोड़ी के लोग जो मुकाम में बैठ करके दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वो लोग आज मुझे उपदेश दे रहे हैं, मैंने समाज को बहुत आगे बढ़ाया है और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की इच्छा है, और ये लोगों के कहने से मैं कतई नहीं रुकने वाला, क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी ने 6 महीने पहले ही वो बिश्नोई बन चुकी है, और अभी जो लोग विरोध करके एकता दिखा रहे हैं, वो लोग अगर मेरे चुनाव में एकता दिखाते तो समाज को एक नेता प्राप्त होता। ये उस बंदे की प्रतिक्रिया थी, तब मेरे मन में बहुत खटकी। मैंने कहा इसका अहंकार तो देखो, बच्चा ही तो है, इसने तो अभी तक कुछ नहीं किया है, अपने दादा की कमाई तो है, और अब ये 21वीं सदी है, किसी और की कमाई आपको नहीं मिल सकती। हम महात्मा हैं, हमारे दादा गुरुजी सद्गुरुदेव जी इतने महान हैं, और उनकी बदौलत हमको आज सम्मान मिलता है, ये हम हृदय से स्वीकार करते हैं। जो कुछ है सद्गुरुदेव भगवान का है और गुरुदेव भगवान का है, ये हम मानते हैं, लेकिन हम उनके शिष्य हैं ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, उनके शिष्य होने लायक योग्यता भी हमारी होनी चाहिए कि तब समाज स्वीकार करेगा। केवल उनके नाम से हम नहीं चल पाएंगे, हमारे अंदर उनके शिष्य हैं ये कहने लायक हमारा जीवन होना चाहिए, इसलिए बात तब बात बनेगी। तो वो और थे भजन लाल जी के विषय में तो मैं ज्यादा जानता नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय, मुझे कुछ पता भी नहीं। जरूर उन्होंने समाज का अच्छा काम किया होगा, तभी लोगों ने उनको आगे बिठाया, अग्रणी रखा। लेकिन इस बंदे ने प्रतिक्रिया क्या दी, पहला उसने लिखा कि मुकाम में कई लोग दारू पीवे, जुओ खेले, वे लोग माने क्या ज्ञान देवे,
अब वो व्यक्ति उसके पिता मुकाम मंदिर के संरक्षक है और वो उसको और अच्छे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरा समाज मुकाम जाता है, लोग पैदल मुकाम जाते हैं, वो नहीं दिखे उसको। जुआ खेलने वाले हो सकते हैं कोई एक दो लोग होंगे, दारू पीने वाले कोई एक आध होंगे, वो उसको दिखाई दिए और इतने से उसके जीवन का, उसकी समझ का, उसके ज्ञान का पता लग जाता है कि व्यक्ति अनुसरण किसका कर रहा है, छोटे का कर रहा है कि बड़े का, अच्छे का कर रहा है कि बुरे का। अरे भाई आप उनको क्यों देख रहे हो, अच्छे हैं उनको देखो, उनको क्यों देख रहे हो। और फिर लिखा कि ये मेरे चुनाव में एकता दिखाते तो मैं नेता बनता, विजयी होता। अब तुम्हारे जैसे व्यक्ति को विजयी बना करके करेंगे क्या, तुम तो हारे हुए भी इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हो, जीत गए होते तो क्या करते, भले बड़े हैं लेकिन ये गलत कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति करेगा, बड़ा करेगा, दो करेंगे, चार करेंगे, फिर क्या मर्यादा रहेगी। और फिर उसने दलील दी कि मेरी पत्नी 6 महीने पहले बिश्नोई बन चुकी है। किस जगह बनी भाई बिश्नोई, किसने इजाजत दी तुम्हें, 500 वर्ष हो गए अभी तक कोई और जाति का व्यक्ति बिश्नोई पंथ में शामिल हुआ नहीं, बिश्नोई पंथ में शामिल नहीं होना चाहिए इसके पक्षधर में नहीं हूं, होना चाहिए इसके पक्षधर हूं मैं बिल्कुल, लेकिन यहां तुम्हें अधिकार किसने दिया, आप तो सामान्य व्यक्ति हो, समाज के इतने विद्वान तपस्वी शीर्ष संत है, उन्हें कभी बुलाओ, कभी उन्हें बुला करके पूछो कि ये होना चाहिए कि नहीं, और होना चाहिए तो एक स्थान रखो, एक पीठ समाज की रखो कि वहीं से हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात, क्या आपने कभी मुकाम मंदिर के महासभा के मंच पर कोई साधु को बुलाया, कोई विद्वान साधु को समय दिया बोलने का, पूरा मंच का राजनीतिकरण है, धर्म का एक अक्षर आपको सुनाई नहीं देता, मंदिर जाते हो क्या पाते हो आप, बड़ी बड़ी बातें तालियां, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े, इसका अर्थ मैं नेताओं की बुराई नहीं करता, नेता है इसलिए हमारी पहुंच है, राजनीतिक पहुंच होनी जरूरी है, लेकिन वहां मंदिर है, वहां राजनीति का क्षेत्र नहीं है, वो पवित्र स्थान है, वहां से धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई साधु वहां दिखेगा नहीं क्योंकि चढ़ने ही नहीं देते वहां स्टेज पे, चढ़ जाए तो पीछे बैठा रहेगा, उसका कोई मान सम्मान नहीं, कोई नाम नहीं, कई महात्माओं ने प्रयास किया लेकिन विफल रहे। अगर आप साधुओं को बुलाते पूछते कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये करना उचित है अथवा अनुचित, फिर विचार करते। वहीं आज अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। मीटिंग के पश्चात अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण धारणिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, संवाद की प्रक्रिया रखी थी जी। कि बिश्नोई जो धर्म है, बिश्नोई जो रिलीजन, बिश्नोई कोई कास्ट नहीं है, बिश्नोई जो हमारा धर्म है उसके अंदर धार्मिक और सामाजिक दो तरह के जो पहलू है उनके अंदर किस तरह से अपघटन उनका हो रहा है, कैसे उनके मूल्य जो है, जो धार्मिक मूल्य है जो बोध नहीं है, ये तो हमारे सामाजिक ढांचे के अंदर किस प्रकार से घुन लग रहा है उसकी चिंता जाहिर करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए थे। और किसी प्रकार से भव्य जो शादी कर रहे हैं वो उनका एक बहुत ही निजी मामला है जी। वो उनको मुबारक, परंतु आप अपनी शादी में खुश रहे परंतु आप सामाजिक ढांचे को एड्रेस नहीं कर सकते, आप पैरामीटर सेट नहीं कर सकते, हम ये कहना चाहते हैं आप हमारे लिए आदर्श व्यक्ति तो नहीं हो सकते, हम ये कहना चाहते हैं। तो जो आप व्यवस्था हमारे को देना चाहते हैं भविष्य के अंदर बिश्नोई धर्म का सामाजिक ढांचा कैसा हो उस